गुरु को चरण वंदना, श्री गणेश मनावे, स्वर संगीत कला की देवी शारद मां को धामे, कान बसू स्वरकार कंठ में हाथ जोड़ अरदास करो, ना कवि गायक मामे ज्ञानी श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ, देश के भक्तों तुमको भजन सुना कहते हैं कि भारत भव्य कब बनेगा, ये भारत भव्य बनने की पुनः ये निशानी है कि आज का युवा सत्संग की ओर है, आज का युवा राष्ट्रभक्ति की ओर है, आज का युवा देश की ओर है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार इस पूरी टीम के लिए तालियां बजाकर आप सभी अभिनंदन करें और भारत माता की जयकारों के साथ आज की इस वीरों के सत्संग को बड़े भाव के साथ हम लोग वीरों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रारंभ करेंगे। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जिस आजादी का हम इतनी स्वतंत्रता के जिस आजादी का हम भोग कर रहे हैं ना, इस आजादी को हम तक लाने के लिए उन वीरों ने, उन सपूतों ने, उन तपस्वियों ने बड़ी तकलीफें झेली, तब ये आजादी हम तक आ पहुंची। आजादी राखणियों जा रहे पग पग पर दिल दिल कट रहे, आजादी आजादी राखड़ियों जाने पद पद पर दिल दिल कटो, और आजादी में बेराखे जगह मौत बिना मांदे करो। आजादी खातिर माँ बहनारी काकड़ में भाटा दूर गई और हथले में लागी उड़ी मेहंदी दूजा रे हाथा चढ़ गई, लुए दिन कामन घर काला काग उड़ाती ही रह गई, और मावारी बेटा रे खातिर पुरुषोड़ी थाड़ा रह गई, मावारी बेटा रे खातिर पुरुषोड़ी थाड़ा रह गई। जब जाकर आजादी पहुंची लोगों ने अपने परिवार का अपने कुटुंब कबीलों का शोक नहीं किया, तब जाकर ये आजादी हमें प्राप्त हुई। तो मेरा भाव रहेगा ताली के साथ इस छोटे सी ऐ मेरे वतन के घोड़ा, जरा आँख में भर लो वतन के धोबा, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मोबाइल है जो जिनके हाथ में मोबाइल है, अपने मोबाइल को फ्लैश लाइट ऑन करके श्रद्धांजलि नहीं कर सकता। थी
है धन्य ये उनकी जवान, है धन्य ये उनकी जवान। मैं बोलूंगा जो शहीद हुए हैं उनकी आप लोगों को जिन जिन को याद है कुर्बानी, वो बोलेगा याद करे कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, 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 जरा याद करो कुर्बान। देखिए याद करने की बात है, एक शहीद के घर पे कुछ दिन बीत गए, बड़े भाव से सबने श्रद्धांजलि दी, बड़े भाव से जयकारे करने में बंदूकें फूटी, सब कुछ हुआ, सब भाव से हुआ, पर जब कुछ दिन बीते सब भूल गए। जब भूल गए तो एक कोई मेरे जैसा मूर्ख आते और कहा कि क्या पाया तुमने, तुमने पाया क्या, इतनी बड़ी शहादत देने के बाद भी आज तुम्हें कोई याद नहीं करता, कुछ दिन के लिए आए तुम्हारे साथ भाव रखे, तुम्हारे जयकारे करे और अब सब भूल गए। तब अमर शहीद से वादा करके भूल गए शमशान में, घर पे बच्चे भूखे तड़पे क्या पाया बलिदान में, फिर भी वंदे मातरम वंदे मातरम। क्या कहा? अमर शहीद से वादा करके भूल गए शमशान में, और घर पे बच्चे भूखे तड़पे क्या पाया बलिदान में, वंदे मातरम फिर भी वंदे वंदे मातरम फिर भी वंदे मातरम। तब वापिस जवाब दिया कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर पे लड़ने वाले आते हैं, शहीदों की ओर से और उस सेना के जवान की ओर से जवाब क्या है, जरा सुनना। आपको लगे कि बात और जवाब अच्छा है तो तालियों और जयकारों के साथ आपकी सत्संग को वीरों के नाम करेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजा घर पे लड़ने वाले आते हैं, अपनी अपनी सीमाओं पर अड़ने वाले आते हैं, और अपनी अपनी सीमाओं को लड़ने वाले आते हैं, अपने अपने मतलब को हम पे पत्थर बरसाते हैं, उनकी जान बचाने को हम तड़प तड़प मर जाते हैं। उस बात का गम नहीं है क्योंकि हमने वर्दी पहन रखी है सम्मान में। अगर आपको लगे कि बात सच्ची है, अगर सिर्फ पैसों के लिए कोई आर्मी और पुलिस में जाता, सिर्फ पैसों के लिए तो भारत में आर्मी नहीं होती, या भाव से जाते हैं या अपने प्राणों को त्यागने के लिए वहां पर जाते हैं, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए वीर जाते हैं। हमने वर्दी पहन रखी है भारत के सम्मान में, हमने वर्दी पहन रखी है भारत के सम्मान में, पर जाए मेरे बच्चे सूखे पड़ते ना वंदे मातरम वंदे मातरम।
कुछ लोग कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, यानी धरा को मां नहीं कहेंगे, वो लोग अगर हैं तो हाथ नीचे रखना, और जो वंदे मातरम बोलने वाले हैं वो हाथ खड़े करना, क्योंकि वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये जो आप तस्वीर लगाने देखिए राजस्थान को गौरव को बढ़ाने वाली है। अगर आपको लगता है किसी को झुंझुनू में राजस्थान के गौरव को, भारत के गौरव को इन वीरों ने बढ़ाया है, तो ताली और वंदे मातरम के साथ चलना। गूंज रही है कणकण में कुर्बानी राजस्थान की, गूंज रही है कणकण में कुर्बानी राजस्थान की, यहाँ